अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स। मैं राबी इकबाल खान हमेशा की तरह आप सब लोगों का अपने चैनल पे अपने किचन में वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। और आज मैं आप सब लोगों को सिखाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई बनाना। और मटन कढ़ाई हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जैसा हमें बाहर रेस्टोरेंट में जिस तरह की हमें ग्रेवी मिलती है कढ़ाई मटन कढ़ाई की, हम उसी तरीके से इसको बनाएंगे। इंशाल्लाह वैसा ही बनेगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। आइए चलिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें मटन कढ़ाई बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम मटन ले लेते हैं। यहाँ पे मटन हमारा यहाँ पे 1 kg के आसपास है, 1 kg से थोड़ा सा कम है। और ये बोन के साथ है, इसको हमने वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। और ये मीडियम साइज़ का कट किया हुआ है, 2 मीडियम साइज़ का टमाटो मैंने ले लिया है, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और 3 मिर्चें मैंने ले ली हैं, हरी मिर्चें, आप अपने हिसाब से जितनी मिर्चें लेना चाहें ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये हमने घर पे बनाया था। और ये हम इसमें ऐड करेंगे मटन जब रेडी हो जाएगा तो गरम मसाले की तरह इसमें हम ये ऐड करेंगे। ये हम 1/2 टीस्पून के आसपास, इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे इस मटन में, मटन कढ़ाई में। तो ये हमारा हो गया मसाला। और यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून मैंने दही ले लिया है, कोई सा भी आप दही ले लीजिएगा। मेरे पास यही फुल क्रीम का थिक दही था तो मैंने इसी को यूज़ करना है। 2 लेमन्स मैंने ले लिए हैं, मीडियम साइज़ का कट कर लिया है। 1/2 kg हमने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद हो। और यहाँ पर हमने बाकी के मसाले हमारे यहाँ पे हैं, लाल मिर्च पाउडर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, कोरिएंडर पाउडर धनिया पाउडर ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने होल गरम मसाला ले लिया है, 2 पीस मैंने तेज़पत्ता ले लिया है, 2 स्टिक मैंने दालचीनी का ले लिया है, 3-4 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 मैंने लौंग लिया है, और 2 से 3 मैंने काली मिर्चें ले ली हैं। तो ये हमारा सारा मसाला है, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए कुकर हमने गरम कर लिया है, तेल हमने डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है ये 1/2 टी कप से, मैंने चाय के कप से आधा कप ले लिया है। और आप चाहें तो इसे कढ़ाई में या डेगची में भी बना सकते हैं, पतीले में भी बना सकते हैं मटन को, लेकिन यहाँ पे हम कुकर में बनाएंगे और ये जल्दी बनाना है। या इसमें हम ऑयल गरम हो गया, अब हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसमें हमने जितने मसाले थे गरम मसाला वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे और इसे गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर में फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए मटन फ्राई हो गया, अब हम इसमें हरी मिर्चें और टमाटर को ऐड कर लेंगे, इसे भी 2 मिनट फ्राई करेंगे, 2 मिनट पकाएंगे। नमक ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए दही ऐड करके अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। सारे मसाले ऐड कर लेंगे। ये देखिए जो मैंने सारे मसाले आपको दिखाए थे ये सब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसे मटन को अभी हम भूनेंगे थोड़ा सा। मसाले को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे जब तक कि इसमें इसका ऑयल जो है तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इसे भून लेंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा हमारा, उसके बाद हम जब ये भून जाएगा तब हम इसमें सीटी लगाएंगे। ये देखिए ये हमारा ये जो मटन है ये अच्छे तरीके से
भुन चुका है और इसका जो ऑयल है बिल्कुल अलग हो चुका है यहाँ पे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें जो मैंने आपको दिखाया था जायफल और जावित्री का पाउडर, वो हम यहाँ पे हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा कम है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा हम कम रखेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो फिर ये इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। इसको ऐड करने से यहाँ पे हम लेमन ऐड करेंगे। इसमें लेमन ऐड करने से जो स्मेल है मटन की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये हम यहाँ पे लेमन ऐड कर देते हैं और हम थोड़ा सा कोरिएंडर कट करके, धनिया पत्ता कट करके काट करके रख लेंगे साइड पे। जब हम ये रेडी हो जाएगा तो उसे गार्निश करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने 2 कप जो है चाय के कप से पानी ऐड कर लिया है और अब हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे। और पहला सीटी जो है, 1 सीटी हम इसे हाई फ्लेम पे लगाएंगे और 2 सीटी जो है लो मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और ज़्यादा गले भी नहीं। ये देखिए व्यूअर्स, हाँ ये मटन जो है बिल्कुल पक चुका है अच्छे तरीके से, सीटी लगा लिया है मैंने अब इसको। अब ये हम इसमें जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव जो है इसको ऐड कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसका पानी सुखाएंगे। और यहीं पे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे। चलिए इसे हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल में और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए उसके साथ मैंने ये राइस बनाया है, ये ब्राउन बासमती राइस है, ये सेला बासमती राइस। इसे मैंने इसके साथ कढ़ाई, मटन कढ़ाई के साथ खाने के लिए ये राइस बनाया है। अगर आप लोगों को ये राइस पसंद है, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही होगी तो आप लोग इसकी रेसिपी कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दूँगी। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ज़ाफ़रानी राइस की, ब्राउन राइस से आप इसको बनाइए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, इसके साथ बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, मैं ज़रूर आप लोगों को इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए हमारा ये मटन कढ़ाई तो रेडी हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएँगे ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को पहले मिलती रहे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं आप लोगों से फिर से मिलने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।